नमस्कार दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट जॉब ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबनो फरी एक बार एक नवा वीडियो में दिल थी हार्दिक स्वागत करू छू। दोस्तों आज वीडियो में जो भर्ती है विषय तेना विषय बात करीशु। एना पहला तमाम ने रिक्वेस्ट करू छू कि जो तमे सरकारी नौकरियों की तैयारी करो छो तो तेनी साथे साथे घरे बैठा सारी एवी कमाणी पण करी शको छो। तमारे कई ज करवानुं नथी, फक्त मोबाइल नी स्क्रीन पर देखाय छे ते कोर्स करवानुं छे, जेमां तमारे कोड वापरवानो छे साइम 100। वीडियो नी नीचे जे लिंक आपेली छे त्यां तमारे रजिस्ट्रेशन करवानुं छे ने आ कोड वापरवानुं छे। आ कोड वापरतानी साथे हवे आ कोर्स तमे फ्री में करी शकशो अने आ कोर्स कर्या पछी तमने फ्री में सर्टिफिकेट मळशे, जे घणी बधी सरकारी भरतीओमां तमने खूब ज कामे लागशे। तो राह कोनी जुओ छो, लिंक वीडियो नी नीचे अवेलेबल छे, फटाफट क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो अने तमारा बीजा मित्रों सुधी जरूर थी शेर करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करू छू आप सबनो गुजरात गवर्नमेंट जॉब ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बात करीशु तलाटी कम मंत्री पंचायत विभाग नी भर्ती लगभग 3300 जग्याओ। मेरिट लिस्ट प्रोविजनल फाइनली आवी गयु छे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाली रह्यु छे अने तारीख पण जती रही छे। तो जे पण उम्मीदवारोना डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना बाकी छे अथवा जे पण कोई सुधारो छे तेनी माटे खूब ज महत्वना समाचार आवी रह्या छे। गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडळनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तमने नोटिस एटले के जाहेरात पण मळी जशे। तो जे पण उम्मीदवारो पंचायत तलाटी वर्ग 3 भर्ती परीक्षानी अंदर प्रोविजनल लिस्टमां आव्या छे तेमना माटे एक आ खूब ज महत्वनी अपडेट छे। जाहेरात क्रमांक 10 स्पर्धात्मक परीक्षा 7 मे ना रोज लेवाई हती। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 16 जून ना रोज जाहेर थयुं हतुं, जेमां समाविष्ट 4635 उम्मीदवारोना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा माटे iass.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઈન અપલોડ કરવાનો સમયગાળો 20 જૂનથી 1 જુલાઈ હતો, ત્યારબાદ સમયગાળો વધારી 3 જુલાઈ સવારે 11 કરવામાં આવ્યો હતો। પરંતુ ઉમેદવાર દ્વારા કોઈ કારણસર ઓનલાઈન ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી શકેલ ન હોવાના કારણસર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનો સમયગાળો વધારવામાં આવ્યો છે। હવે આ તારીખ 11 જુલાઈ સવારે 11 સુધીની રહેશે। તે જે પણ ઉમેદવારોના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના બાકી છે તે ફટાફટ કરી લે, જેથી કરી દોસ્તો તમારું નામ લિસ્ટમાં આવી જાય। આ ઇન્ફોર્મેશન ખૂબ જ મહત્વની છે, તમને ગમી હોય તો વિડીયોને એકવાર લાઇક જરૂરથી કરી દેશો।